सो हेलो वेलकम बैक एरियन, क्या हाल है तो सभी के एक बार फिर से स्वागत है सभी का एक कोनी पबजी लाइट गेम प्ले वीडियो के अंदर। अब देखो गाइस, जब से न्यू वाला अपडेट आया तब से भाई गेम काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा है, बैक टू बैक क्लचेज हो रहे हैं, मतलब इतना गेम स्मूथ चल रहा है कि भाई मैं डेली गेम प्ले डाल रहा हूँ। तो ये वाला गेम प्ले भी उन्हीं में से एक होने वाला जो कि यार काफी खतरनाक होगा और बहुत सारे क्लचेज भी होंगे। तो यार वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि ये वाला गेम प्ले ना लिटरली काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अब यहाँ पे देखो मैं कह लेता सोलो से स्क्वाडर, भाई मैं होता जाता हूँ इस वाले मैच के अंदर फैक्ट्री में। और यहाँ पे अब बंदों की बात करो तो तुम लोगों ने भी स्पॉट किए होंगे, मतलब एक स्क्वाड आई है मेरे साथ जिसमें से पहले बंदे को मैं यहाँ पे नॉक एंड फिनिश डालता हूँ, तभी भाई इसके जो बाकी वाले बंदे होते हैं ना भाई मेरे ऊपर यहाँ पे कर देते पुश। तो बस देखो यार कैसे निपटाते हैं। अब इस बंदे ने पता है तुमको क्या बोला भाई, और इस बंदे ने मेरे जो ये कपड़े पहने हुए ना भाई ये आउटफिट इसी बंदे ने दी थी मेरे को, एंड तभी ये बंदा कर रहा था भाई गद्दारी कर बे। अब मेरे को भाई थोड़ी पता है कि भाई मेरे को आउटफिट किस वाले बंदे ने दी थी। फिलहाल इन तीनों को मैं यहाँ पे फिनिश कर दूं, तभी इनका आखिरी बंदा। अब लिटरली यार 1 HP में और सामने वाला बंदे के पास शॉट गन हो और ऊपर से भाई थर्ड पार्टी में कोई टॉमी भी चला रहा है, इस सिचुएशन में भाई ये वाला क्लच निकला है ना, इसलिए तुम्हें लाइक तो करना ही पड़ेगा एंड वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब देखो उसके बाद मैं टॉमी वाले बंदे के पास गया था बट वहां पे मेरे को बंदा नहीं मिलता है, बट उसके बाद गार्ड देखकर मैं जैसे ही जाने वाला था ना तभी देखो पीछे की साइड। अब पता नहीं यार जब बेस वाले बंदे को ढूंढने के लिए उन वाले घरों की साइड गया था ना तब ये बंदा वहां से गायब था, बट अचानक से ये बंदा गाड़ी देखने पता नहीं से कहां से आ जाता है। फिलहाल इस वाले बंदे को मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया था, मेरे को पता था बंदा ज्यादा दूर नहीं गया होगा, एंड जैसे यहाँ पे आता हूँ अब ये भाई साहब मेरे को नहीं वालो भाई, मतलब ओपन में पता नहीं क्या ही कर रहा था। फिलहाल इसको नॉक करता हूँ, अब इसका कोई यहाँ पे टीममेट होता नहीं है भाई, इस वाले बंदे को मैं इजीली यहाँ पे फिनिश वगैरह कर लूंगा, एंड फिनिश वगैरह करने के बाद लूट करने का मैं जा ही रहा था, एंड तभी देखो यहाँ पे मेरे को बाइक दिखती है। और ध्यान से तुम लोगों ने भी सुना होगा ना पीछे की साइड से मेरे को एक बंदे के पुश्ते बातें, अब यहाँ पे जो भगदड़ मचने वाली ना वो बस तुम देखो। अब उतने के साथ ही मेरे को एक नहीं भाई दो दो बंदों के पुश्ते बातें, पहले मैं यहाँ पे ग्रेनेड कुक करता हूँ। अब देखो अब ये लिटरली ग्रेनेड था ना भाई, मैं ऊपर डालने वाला था बट पकड़ा। हाँ मेरे को ये मालूम नहीं था कि भाई यहाँ पे दो स्क्वाड के बीच में फाइट हो रही है। अब इसी के साथ एक स्क्वाड यहाँ पे पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है, दूसरी स्क्वाड के पहले बंदे को मैंने यहाँ पे नॉक दे दिया है। अब इस वाली स्क्वाड के देखो दो बंदों को मैं यहाँ पे नॉक कर चुका हूँ, इसका जो तीसरा बंदा था ना वो भाई मोली वगैरह करने में बिजी होता, तो मैं यहाँ पे फटाफट से हील वगैरह कंप्लीट कर लेता हूँ। और हील वगैरह कंप्लीट करने के बाद अब इजीली मैं अभी इस वाली स्क्वाड के ऊपर पुश करता हूँ, इसी के साथ इस वाली स्क्वाड को मैं इजीली यहाँ पे निपटा देता हूँ। एंड इस वाली स्क्वाड को निपटाने के साथ साथ ही अब यहाँ के बंदे सारे खत्म हो चुके थे, तो फटाफट से मैं अभी थोड़ी बहुत यहाँ पे लूट वगैरह कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड लूट वगैरह कंप्लीट करने के बाद अपने बैग लेके सीधा तो अभी स्टेडियम की साइड। अब मेरे आने से जस्ट पहले यहाँ पे बोर्ड फायर हो चुका था, तो मैं समझ चुका भाई यहाँ पे ऑलरेडी बंदे हैं। अब उन बंदों के देखो मेरे को कोई भी पूछते वगैरह नहीं आ रहे थे ऊपर की साइड से, मतलब ये जो रेड जोन है ना उस वजह से भाई बिल्कुल भी यहाँ पे मेरे को पूछते वगैरह नहीं आ रहे थे। एंड जैसे ये वाला रेड जोन खत्म होता है ना, एंड अब तुम बस देखो अब यहाँ पे फाइनली मेरे को पूछते बन स्टार्ट हो चुकी है, जो कि बंदा नीचे की साइड होता है और मेरे को पता यार बंदा पुश करने के लिए ऊपर की साइड आएगा, तो मैं यहाँ पे आके टीपी भी लेने लग जाता हूँ। हाँ मैंने सोचा इस वाले बंदे को UMP से मैं मार दूंगा, बट इस वाले बंदे के पास होती G3 जो कि मेरे साथ हर बार ऐसा ही होता है, जब भी मैं सोचता हूँ कि भाई इस वाले बंदे को G3 से नहीं मारूंगा तो उस वाले बंदे के पास G3 ही होती है, इस वजह से मेरे काफी सारे मैचेस खराब जाते हैं। तो बस यार इस वाले बंदे को मैं इजिली निपटाता हूँ, एंड उसके बाद दो तीन वहाँ पे बोर्ड आते हैं उसको निपटाने के बाद मैं सीधा आता हूँ यहाँ पे फाइनल वाले सर्कल की साइड। और यहाँ पे ये वाला बंदा अब एक शॉट तो इस वाले बंदे को ऑलरेडी लग चुका था ना, ये वाला प्लेयर ना गाइस मेरे को थोड़ा न्यू लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इस वाले बंदे से थोड़ा मीटअप कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैं देखो इमोट करता हूँ, ये वाला बंदा समझ जाता है
और यहाँ पे ये वाला बंदा भी उछल कूद लगने लग जा रहा था। मतलब हम दोनों का टीम अप हो चुका था यहाँ पे, और पता नहीं ये बंदा थोड़ा सा सेफ जोन में जा रहा था। एंड उसके बाद यहाँ पे एक दो बोट आते, उनको हम लोग निपटा क्या देते। ये अब बचा था ये लास्ट वाला बंदा। नाम क्या है चैनल का? अब इस वाले बंदे से मैं अपने YouTube चैनल के बारे में बात करता हूँ कि रुको तुम पहले मैं उसके सब्सक्राइब दोस्त जरूर को कर जान देना। मेरे और को ये वाला कितना बंदा ना भाई एक मेरे दोस्त को को इधर का सच एक में सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब था कर मेरा, देता है, वो बट उससे देख लेता पहले। वो कितना मीटर होगा, ये अब तो इस दोस्त वाले होगा बंदे का ना एक मेरे मिशन को। होता है कि भाई मेरे इसको 200 मीटर के दूर यानी कि स्नाइपर से इसको मारना है। तो एक इसका मिशन ये बचा हुआ था, मैंने सोचा कि इसको चिकन दे देते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे दूर आ जाता हूँ, ये बंदा मेरे को हेडशॉट के साथ खत्म कर देता है। तो इस वाले मैच में तो अपना चिकन नहीं हुआ था, तो बस यार निकालते इस वाले मैच के अंदर चिकन। एंड इस वाले मैच के अंदर बैक टू बैक कितने क्लचेज होंगे बस तुम देखना। अब स्टेडियम में यार लिटरली भाई काफी ज्यादा बंदे आते हैं, एंड तुम देखो बस यहाँ पे क्या ही भगदड़ मचने वाली है। अब यहाँ पे देखो दो तीन स्क्वाड आई थी यहाँ पे लिटरली, एंड उसके साथ उन दोनों की मतलब इन तीनों स्क्वाड के आपस में फाइट वगैरह हो जाती है। तो भाई मेरे को भी अभी जीत रही रंगे हाथ मिल ही जाती है। एंड उसके बाद जो स्विमिंग पूल वाले बंदे होते हैं ना, अब वो वाले बंदे आ जाते हैं यहाँ पे पुश करने के लिए। तो भाई पहले मैं उन वाले बंदों को निपटाता हूँ। देखो यहाँ पे काफी सारे बंदे आए थे, तो भाई ये दोनों बंदों को मैं नॉक करता हूँ। तो इनके बाकी वाले दो बंदे उनको कोई और ही मार के जाता है। अब इसी के साथ ये वाले स्कोर तो खत्म हो चुकी थी, पर ऑलरेडी अभी काफी ज्यादा बंदे बचे हुए हैं। अब मेरे को यार पूछते आ जाते हैं जस्ट सामने की साइड। तो पहले मैं बैंडेज वगैरह लगा लेता हूँ, एंड उसके बाद बंदे होते नीचे की साइड। पहले बंदे को मैं यहाँ पे नॉक करता हूँ, उसके बाद इसके बाकी वाले बंदे सामने की साइड से आ रहे थे। दूसरे को मैंने नॉक किया, भाई तीसरे बंदे बंदे के पास होते हैं 12 के, तो भाई यहाँ पे बच जाता हूँ। और भाई तीसरे वाले बंदे को भी मैं यहाँ पे नॉक करता हूँ, उसका लास्ट वाला बंदा बचा था। मेरे को लगा बंदा नीचे की साइड होगा, पर नीचे की साइड नहीं होता वो बंदा, फिलहाल नॉक वाला बंदा होता है। उसको मैं यहाँ पे फिनिश करने का ट्राई करता हूँ, एंड उसके बाद फटाफट से हील वगैरह कंप्लीट करता हूँ। और हील वगैरह कंप्लीट करने के बाद पता नहीं शायद से ये बंदा रिवाइव हो चुका था, इसको भी मैं यहाँ पे इजिली नॉक करता हूँ। ये होता है लास्ट वाला बंदा। इसी के साथ ये वाली स्कोर को मैं भी इजीली यहाँ पे निपटा देता हूँ। अब इस वाली स्कोर को निपटाने के बाद अब तुम लोगों को भी एकेएम वगैरह का साउंड आ चुका होगी। अभी भी आसपास काफी सारे बंदे हैं, तो फटाफट से मैं यहाँ पे लूट वगैरह कंप्लीट करता हूँ। लूट वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं सीधा आता हूँ स्विमिंग पूल की साइड। एंड यहाँ पर आने के बाद अब लिटरली यार यहाँ पर भी एक बंदा होता, मेरे को नहीं पता था। फिलहाल ग्रेनेड के साउंड से मैंने यहाँ पे इस बंदे का पता लगा लिया था। और इसका दूसरा बंदा होता जस्ट सामने की साइड। अब दूसरे को भी यहाँ पे नॉक करता हूँ, तभी देखो मेरे को यहाँ पे M4 भी पड़ी थी राइट की साइड, इसी के टीममेट होता है। अब इसको मैं यहाँ पे डैमेज देने का ट्राई करता हूँ, बट वो वाला बंदा ना कवर में जा चुका था। और भाई अब मेरे को पता उसी का ही टीममेट, इसको रिवाइव देने के लिए आना पड़ेगा इसको। एंड देखो वैसा ही होता है। अब वो वाला बंदा जैसे ही आता है भाई मैं उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे डैमेज दे देता हूँ। अब बात इस वाले बंदे को ऊपर पुश करने की, तो बस यार देखो कैसे निपटाते इस वाले बंदे को भी। अब देखो इस स्क्वाड के मैं तीनों बंदों को नॉक कर चुका था, एक बंदे को मैं फिनिश कर चुका हूँ, दूसरे को भी फिनिश करता। उसके तीसरे बंदे को मैंने जस्ट सामने सड़क के उस पार भाई नॉक किया था, तो मैं उसी को ढूंढने के लिए स्केटिंग करके आ जाता हूँ। एंड तभी देखो मेरे को ये नहीं मालूम था कि भाई बंदा यहाँ पे रिवाइव हो रहा है। इसी के साथ ये वाले स्क्वाड को मैं पे इजीली यहाँ पे निपटा देता हूँ। अब इस वाले स्क्वाड को निपटाने के बाद अब बंदे अभी भी यार काफी ज्यादा बचे हुए थे, मतलब 20 बंदे बचे हुए थे। और जब तक मैं आता हूँ ना भाई, मेरे को एक बंदा भी नहीं मिलता, जिसमें से एक स्क्वाड तो भाई रेड जोन में पूरी की पूरी मर जाती है। ना बचाते देखो दो बंदे सिर्फ, जिसमें से एक बंदा मेरे को यहाँ पे मिल जाता है। अब ऊपर की साइड मेरे को जैसे ही पूछने बाद मैं यहाँ पे ग्रेनेड कुक करता हूँ, एंड तभी मेरे को पता चलता है कि भाई बंदा है ऊपर छत के ऊपर। तो भाई यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद देखो बंदा क्या ही कर रहा था। यह बंदा मस्त वहां पे लेटा हुआ था, इसी के साथ उसको वापस से लिटा देते हैं। इसी के साथ अब बचा था लास्ट वाला बंदा।
तो भाई उस वाले बंदे को ढूंढने के लिए लिटरली काफी टाइम लग चुका था। वो वाला बंदा भी नहीं होता, मतलब एक बोट होता जो कि जस्ट मेरे को सामने दिख चुका था। तो गाइस होप यार ये वाला गेम प्ले भी तुम्हें पसंद आया, पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पे दियो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट गेम प्ले के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।